ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, विकास की तेज गति के लिए हमें नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ काम करना ही होता है। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्थाओं में, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। मुझे बताया गया है कि प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब करीब 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां तो बीते 1-1.5 साल में ही दी गई है। मैं वाकई कहता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, प्रदेश प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। योग्यता से रोजगार, योग्यता से रोजगार के जिस मंत्र को लेकर वो चले हैं, वो प्रदेश के युवाओं में नया विश्वास पैदा कर रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के सेब किसानों के लिए अब अपनी पैदावार बाहर भेजना और आसान हुआ है। सरकार जिस तरह ड्रोन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, उससे भी यहां के फल उत्पादक किसानों को विशेष मदद मिलने वाली है। साथियों, जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया है। हमने देखा है कि कैसे इस बार जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राज्य में आज जिस तरह रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर खुले हैं, वो कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। हम विकास का समान लाभ सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के इस मॉडल से सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के दूसरे विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेज खुलने से यहाँ की प्रतिभाओं के लिए और भी ज्यादा नए अवसर बनेंगे।